आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुतशाबियत का मसला है। वो क्या है? मुतशाबा मुसलसों के रकबों का मसला, जो हमको प्रैक्टिस सेट 1.4 के अंदर काफ़ी हद तक इस्तेमाल होने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप देख सके सबसे पहले। तो आइए, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जकरिया और आप देख रहे हैं संजरी अकेडमी पर ऑनलाइन। दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा मसला। हमारा मसला क्या दिया है देखेंगे, मुतशाबा मुसलसों के रकबों का मसला। यहाँ पर देखो, मसले की तारीफ लिखा है मैंने, अगर दो मुसलस मुतशाबा हों, अगर दो मुसलस क्या हों, आपस में मुतशाबा हों, तो इनके रकबों की निस्बत, इनके रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के नस्बत के मसावी होती है। ये क्या है? तारीफ है। ये तारीफ सिर्फ आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। अगर ये तारीफ पूछी जाएगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब ये दो मुतशाबा मुसलसों के रकबों का मसला है। आगे देखेंगे। उसके बाद देखो, मैंने दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ लिख करके रखा है। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ तो आप देख करके लिख सकते हैं, मुसलस डी ई एफ, मुसलस डी ई एफ और मुसलस क्या है ए बी सी में, दिखाई दे रहा है ए बी सी में। देखो इधर पे कथा डी एन, कथा डी एन कहाँ दिखाई दे रहा है? डी एन क्या है? उमूद है। डी एन क्या है? उमूद है। किसके ऊपर? जिला ई एफ के ऊपर। देखो यहाँ पर ई एफ, ई एफ के ऊपर क्या है? उमूद है। उसके बाद कथा ए एम, कथा ए एम कहाँ है? कथा ए एम उमूद होता है। किसके ऊपर उमूद है? बी सी के ऊपर। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखेंगे और हमको क्या करना, साबित करना है। साबित क्या लिखा है मैंने? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर होता है। अगर मैं इसके अंदर ए ए बी ले रहा हूँ तो नीचे मुझे क्या लेना पड़ेगा? डी ई। तो यहाँ पर हमने डी ई लिखी, उसके ऊपर क्या आएगा? मुरब्बा। अब उसके बाद हम क्या ले रहे हैं? बी सी। तो यहाँ पर हमने क्या क्या डालेंगे? हम बराबर। अगर हम बी सी ले रहे हैं तो ऊपर बी सी के नीचे हम क्या लेंगे? ई एफ। और यहाँ पर ई एफ, इसके ऊपर क्या आएगा? मुरब्बा। उसके बाद अगर हम ए सी ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए सी बटे, अगर ए सी ले रहा हूँ तो नीचे क्या लेना पड़ेगा हमको? डी एफ। पर हम क्या लिखेंगे? डीएफ। उसके ऊपर क्या आ जाएगा? मुरब्बा। और तीनों जिले एक दूसरे के क्या है? बराबर है। यहां तक समझ में आया है? उसके बाद हम आते हैं सीधा हमारे सबूत के ऊपर। तो सबूत क्या है? बहुत ही आसान थ्योरम में ये मसला है। देखो इधर पे सबूत, सबसे पहला हम क्या करेंगे, मुसलस को सेलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा मुसलस है? मुसलस डी ई एफ, मुसलस डी ई एफ और मुसलस, और मुसलस ए बी सी में, मुसलस ए बी सी में। यहाँ तक समझ में आया? मुसलस ए बी सी में। उसके बाद अभी हमको क्या करना है? उसका रकबा निकालना है। क्या निकालने का है? रकबा। तो रकबा हम कैसे निकालते हैं? हमने फर्स्ट वीडियो में हल किया है। तो उसका रकबा कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है वहाँ पर? डी ई एफ, डी ई एफ। ये क्या होता है? बराबर होता है। हम रकबा कैसे निकालते हैं? कायदा ज़रब इरतफा है ना। लेकिन अब यहाँ पर हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्टली हल करेंगे। यहाँ देखेंगे ए बी सी में कायदा कहाँ दिखाई दे रहा है? ए बी सी में बी सी क्या रहेगा? कायदा रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बी सी हमारा कायदा है और इरतफा क्या रहेगा हमारा? ए एम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए एम लिखेंगे। फिर ये बटे, यहाँ पर क्या है? डी ई एफ, डी ई एफ कहाँ दिखाई दे रहा है? डी ई एफ में कायदा क्या जाएगा? ई एफ कायदा हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे ई एफ कायदा है और ई एफ अगर कायदा है तो इरतफा क्या जाएगा? डी एन हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डी एन। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर रीज़न, दो मुसलसों के रकबों की नस्बत इनके कायदे और नज़ीरी इरतफाओं के हासिल ज़रब के नस्बत के मसावी होती है। यहाँ ऐसा लिखना रहेगा। तो खाली मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, दो मुसलसों के रकबों की नस्बत, दो मुसलसों के रकबों की नस्बत। आगे देखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं? देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर बी सी बटे ई एफ ज़रब ए एम बटे डी एन। खाली मैंने डिनोमीटर को मतलब जो बटे इसको क्या करते हैं? सेपरेट कर दिया है। बात वही है, ये देखो ये पार्ट को अलग लिख लिया है, ये पार्ट को अलग लिख लिया है। उसके बाद इसको हम मसावत नंबर क्या देते हैं? एक देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने पूरा मुसलस लिया था ना, ए बी सी और डी ई एफ लिए थे। अब उसके बाद हम क्या ले रहे हैं? डी एन एफ और क्या ले रहे हैं? ए एम सी। अगर तुम डी एन एफ लेंगे तो तुमको क्या लेना पड़ेगा? ए एम सी, ये वाला मुसलस। अगर तुम ये वाला लेते हो डी एन ई, अगर तुम ये वाला मुसलस ले रहे हो तो ये मुसलस में ए एम बी, ये वाला मुसलस लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मगर अभी मैं कौन सा ले रहा हूँ? मैं मुसलस ए एम सी और कौन सा मुसलस ले रहा हूँ? मैं डी एन एफ। यहाँ पर मैं लिखूँगा मैं मुसलस, कौन सा मुसलस है? डी एन एफ, डी एन एफ और मुसलस
कौन सा मुसल्लस है? ए एम सी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ए एम सी में। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों मुसल्लस क्या दिखाई दे रहे? कायमा जाबे दिखाई दे रहे ना। ये मुसल्लस देखो और ये वाला मुसल्लस देखो, आपस में क्या दिखाई दे रहे? कायमा जाबे मुसल्लस है। अगर वो कायमा जाबे मुसल्लस है तो जाबे क्या रहेगा? नब्बे रहेगा बीच में, ये भी नब्बे रहेगा और ये भी नब्बे रहेगा। तो ये मुसल्लस के अंदर ये वाला जाबे बीच में कैसा आएगा? ए एम सी, जाविया ए एम सी। ये क्या होता है? मुतमासिल होता है। किसके मुतमासिल होता है? ये वाले जावी के। तो वाला जावी बीच में कैसा आएगा? डी एन एफ के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जाविया डी एन एफ के। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? हर जाविया नब्बे है, हर जाविया नब्बे है, या फिर हर जाविया कायमा है वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद अब एक बात बताओ, ये जाविया दिखाई दे रहा है? एक सिंगल लाइन देखो ऐसा मैंने बनाया है इस पे। ये जाविया और ये जाविया आपस में इक्वल है, और ये जाविया ये जाविया आपस में क्या है? इक्वल है। मगर अभी मेरे को ये जाविया चाहिए ना, क्योंकि मैं याला मुसल्लस ले रहा हूं मैं। तो याला जाविया बीच में कैसा आएगा? ए सी एम में, जाविया ए सी एम मुतमासिल होता है। ए सी एम मुतमासिल होता है कौन से जाविये के? याले जाविये के। याले जाविये बीच में कैसा आएगा? डी एफ एन के। तो अपर हम क्या लिखेंगे? जाविया डी एफ एन। यहाँ तक समझ में आया? डी एफ एन। ये तो हमको सवाल में दिया हुआ है ना, मतलब शक्ल के अंदर ही दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। इससे पहले मैंने बताया था, अगर हमने दो जाविये बता दिए, अगर हमने दो जाविये बता दिए तब हम लिख सकते हैं ये मुसल्लस और ये मुसल्लस आपस में क्या है? मुतशाबा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए मुसल्लस ए एम सी मुतशाबा होता है। मुसल्लस किसके? डी एन एफ के। यहाँ तक समझा? और किसके बिना पर मुतशाबा है? जाज आजमाइश के बिना पर, क्योंकि मैंने दो जाविया बताया ना, दो जाविया बताया तो जाज आजमाइश लगेगा। यहाँ पर लिखो मुतशाबियत के, मुतशाबियत के जा आजमाइश से, आजमाइश से ऐसा लिखना रहेगा। अगर वो मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके ज़िले क्या होते हैं? तनासुब में होते हैं, है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ए एम, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए एम के नीचे, एम के नीचे क्या लिखना पड़ेगा हमको? डी एन। यहाँ हम लिख रहे हैं डी एन, ये बराबर होता है। अब अगर हम एम सी ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एम सी बटे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एन एफ। यहाँ तक समझाए? अब उसके बाद हम क्या ले रहे हैं? ए सी ले रहे हैं हम, यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी बटे क्या आ जाएगा? डी एफ। इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले। यहाँ हमको लिखना पड़ेगा मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले। यहाँ तक समझ में आया है? एक बात बताओ, यहाँ पर देखेंगे ए एम बटे डी एन दिखाई दे रहा है, ए एम बटे डी एन। देखो मसावत एक के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, एम सी बटे एन एफ कहीं इस्तेमाल हो रहा है क्या इसके अंदर? अभी नहीं इस्तेमाल हो रहा है, आप देख सकते हैं नहीं हो रहा है। लेकिन ए सी बटे डी एफ हो रहा है ना, ए सी बटे डी एफ। देखो ए सी बटे डी एफ किसके बराबर होता है? बी सी बटे ई एफ के। देखो ना, ए सी बटे डी एफ बराबर होता है किसके? बी सी बटे ई एफ के। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ए एम बटे क्या जाएगा? डी एन बराबर होता है किसके? अभी बराबर हो जाएगा ए सी बटे किसके? डी एफ के। इसको मैंने हटा दिया क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी नहीं है, अगर होता तो हम लिखते थे। अब आगे देखेंगे, लेकिन ए सी बटे डी एफ, देखो ए सी बटे डी एफ बराबर होता है किसके? बी सी बटे ई एफ के। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एम बटे क्या जाएगा? डी एन ए सी रहेगा बराबर, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? बी सी बटे क्या लिखेंगे हम? ई एफ। यहाँ तक समझ में आया है? अब मसावत एक को देखो आप, मसावत एक, मसावत एक दिखाई दे रही है, मसावत एक को मैं यहाँ पर इसी लिख रहा हूँ। देखो क्यों लिख रहा है, अभी आपको समझ में आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है वहाँ पर? डी ई एफ, डी ई एफ। ये क्या होता है? बराबर होता है। क्या दिया वहाँ पर? बी सी बटे क्या दिया वहाँ पर? ई एफ दिया है, ये जरब। और क्या दिया? ए एम बटे क्या दिया वहाँ पर? डी एन दिया है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद देखेंगे, जहाँ पर ए एम बटे डी एन होगा, ए एम बटे डी एन और किसके बराबर है? बी सी बटे ई एफ के। तो अपन हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होता है। तो बी सी ऐसी रहेगा हमारा बटे ई एफ भी ऐसी रहेगा, बाजू में अलामत जरब है। ए एम बटे डी एन, ए एम बटे डी एन किसके बराबर है? बी सी बटे ई एफ के। तो अपन हम क्या लिखेंगे? बी सी बटे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ई एफ। यहाँ तक समझ में आया? अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? जरब हो रहे हैं, जरब कर दो। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा वहां पर? डी ई एफ।
ये क्या था बराबर था बी सी को बी सी से जरब करेंगे क्या जाएगा बी सी स्क्वायर बटे ई एफ को एफ से जरब करेंगे क्या जाएगा वो ई एफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर आ गया, अगर दोनों का स्क्वायर हटा करके अगर हम ऐसा लिखे एक ही साथ में स्क्वायर तो चलेगा ना। लेकिन एक बात बताओ बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ दिखा दे रहा है, बी सी बटे ई एफ किसके बराबर होता है ए सी बटे डी एफ के भी बराबर होता है और बी सी बटे ई एफ भी बराबर होता है किसके ए बी बटे डी ई के। मतलब सब तीनों एक तीनों जिले एक दूसरे के बराबर है ना। अगर हमने एक जिला प्रूफ कर दिया तो हम लिख सकते हैं कि तीनों जिले भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि देखो ना यहाँ पर बी सी बटे ई एफ इधर है और बी सी बटे ई एफ है, ये साइड में भी देखो बराबर है और ये भी क्या है आपस में बराबर है। उसके बाद सब एक दूसरे के बराबर है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होता है। वो पूरी लाइन उतार के ऐसी लिखना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम ए बी बटे क्या जाएगा डी ई का स्क्वायर बराबर होता है बी सी बटे क्या है वहाँ पर ई एफ है, ई एफ है और इसके ऊपर क्या जाएगा मुरब्बा, फिर ये भी बराबर होता है ए सी बटे क्या है वहाँ पर डी एफ है और उसके ऊपर भी क्या है मुरब्बा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें हल करना था, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिटिंग अलोन इज बेटर देन, सिटिंग अलोन इज बेटर देन वॉकिंग विद द रॉन्ग पीपल। दोस्तों अगर इसका मीनिंग आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।